सपोज आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये लो, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब सपोज करो ये जो इंक्लाइंड प्लेन था ये कैसा था, ये इंक्लाइंड प्लेन पहले बिल्कुल फ्लैट था, ऐसा था। तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन ऊपर उठाया, ऑब्जेक्ट हिला भी नहीं, क्यों, फ्रिक्शन प्रेजेंट है मेरे हाथ में, नहीं हिला, नहीं हिला, नहीं हिला, नहीं हिला। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये हिलेगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हिले अपनी जगह से, ये मैंने थोड़ा तेज हाथ कर दिया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये हल्का हल्का हिलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाऊंगा तो एक्सेलरेशन भी करेगा। तो मैं एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं बस वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन कि ये अपनी मोशन हल्की सी स्टार्ट कर दे, बस। मैं नहीं चाहता एक्सेलरेट करे, बस अगर ये हिल भी गया तो हम बोलेंगे वो मिनिमम एंगल के एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ना कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लो बहुत बहुत बार यूज होता है, और अगर आपने ये नहीं सीखा आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और एक नहीं कई गलत होंगे ही होंगे, जिनके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे है, मुझे एक चीज का आंसर देना प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, इसको बाद में पढ़ते हैं, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के यहां और यहां दो फोर्सेस लग रही हैं, पहली फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और दूसरी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है या नहीं करेगा? कितने लोग बोलते हैं नहीं करेगा, कितने लोग बोलते हैं शायद कर दे। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो तो आइदर बॉडी मूविंग इज, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, या बॉडी रेस्ट पे रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। अब बताओ न्यूटन क्या ने क्या कहा, नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो के तो दो मतलब है, या तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, या वेलोसिटी क्या है, तो ये मूव कर सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक स्टूडेंट ने फोर्स यहां लगाई 10, एक ने यहां इट लगाई 10, तो रेस्ट पे रहेगी बॉडी। पर अगर कोई ऐसी जगह पे मैं एक बॉडी को फेंक देता हूँ जहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है, खाली सड़क है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं है, बॉडी को फेंका हुआ तो वेलोसिटी ऑफ वी तो हमेशा वी के साथ ही मूव करती रहेगी, ऐसे ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यही कहता है वो वी के साथ ही मूव करेगी। अब दो स्टूडेंट आए भाग रहे उसी स्पीड पे, उनको कहा कि एक काम कर, बॉडी मूव कर रही है, तू इधर 10 लगा, तू इधर 10 लगा, नेट फोर्स जीरो, बॉडी रुकेगी नहीं, बॉडी अभी भी मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ वी, नेट फोर्स फिर से क्या है, जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो के दो मतलब है, ज्यादातर यही मतलब है कि वेलोसिटी जीरो जीरो ही होगी, रेस्ट पे होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है, बॉडी मूव करेगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी केस पॉसिबल है, फ्रिक्शनलेस पे होगा, फ्रिक्शन पे भी होगा, बताता हूं कैसे। ये बात समझ में आई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी कभी वो ये बोलता है कि बॉडी जस्ट एबल टू मूव, ये तो ना नोट ही कर लो आप पक्का, कहीं वो क्वेश्चन में ये बोलेगा अ बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव। ये जस्ट एबल टू मूव का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सलरेट करेगा, इसका मतलब ये है ये बिल्कुल हल्की सी वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। तो वेलोसिटी ऐसे केस में क्या ली जाती है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ली जाती है, जीरो। तो बॉडी जस्ट एबल टू मूव में एक्सेलरेशन क्या ली जाएगी, जीरो, और वेलोसिटी क्या ली जाएगी, कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक, ये नोट कर लो नोटबुक फॉर्मूला बुकलेट में, ये वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, जस्ट एबल टू मूव में लोग एक्सेलरेशन लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगानी, एक्सेलरेशन जीरो, याद रहेगा यहां तक।
तो ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज का इससे क्या लेना देना है, इससे समझाता हूं मैंने क्यों करवाया। आप मुझे एक एक चीज करके आंसर दो, मुझे आंसर दो, इस बॉडी का वेट कहां करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, इस बॉडी का वेट नीचे है ऑब्वियसली ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन, और यहां फोर्सेस बॉडी का वेट के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, और ये अगर एंगल थीटा थीटा तो mg cos थीटा जो कि इसका क्या बनेगा नॉर्मल रिएक्शन, और कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है mg, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी पीछे पीछे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पीछे कौन सी फ्रिक्शन, काइनेटिक कि स्टैटिक। अब कोई कहता है जी स्टैटिक, कोई कहता है ना ना स्टैटिक नहीं काइनेटिक। मैंने कहा वो क्यों, तो वो स्टूडेंट कहता है देखो आपने वो मिनिमम एंगल लिया एंगल ऑफ रिपोज, जब बॉडी अपनी जगह से हिली और अगर वो हिल गई उसे मूव करना शुरू कर दिया तो काइनेटिक काइनेटिक। पर ये भी तो एक केस पॉसिबल है कि बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए जो थी वो 10 न्यूटन है, और वो 10 न्यूटन क्या है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तब भी तो बॉडी मूव कर सकती है। आपको क्या ऐसे कैसे, पिछले लेक्चर में मूव नहीं कर रही थी, आप कहते थे स्टैटिक है तो स्टैटिक है। पर अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर इंक्लाइन प्लेन है और ये वाली फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है और ये फोर्स और ये बॉडी रुकी हुई है इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ गई एफ एस मैक्स, और मैं ये कह रहा हूं कि ये बॉडी में मिनिमम एंगल है कि बॉडी जस्ट एबल टू मूव, मतलब ये हिल भी गई अगर अपनी जगह से तो एक्सेलरेशन क्या ली जाएगी जीरो, वेलोसिटी क्या ली जाएगी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जीरो कब आती है जब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स में क्या जब आगे की फोर्स यानी कि एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगी एफ एस मैक्स। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो इसके दो मतलब निकलते हैं, बॉडी किस पे रहेगी एट रेस्ट, लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि कम से कम फोर्स चाहिए ये, इसे ऊपर होगी तो ही बॉडी मूव करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये इक्वल भी है तो भी एक चांस है कि बॉडी अपनी जगह से हिल सकती है क्योंकि स्लाइडिंग तो स्टार्ट हुई नहीं, स्लाइडिंग होगी फिर काइनेटिक है, हिलाना है हल्का सा हिलाना है, तो मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वल कर देना है, मतलब जैसे मैथ्स के पेपर में आपको पास कराना है 33 नंबर खत्म ना पूरी तरह ना उधर ना इधर, लिमिटिंग केस है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल कर दिया। अब इसका ये भी मतलब है या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या हल्की सी हिलेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर ये हल्की सी हिलेगी तो ये जो मिनिमम एंगल है मुझे अल्फा लेना चाहिए थीटा की जगह, तो मैं हर बुक में अल्फा इसको इस क्वेश्चन में ये अल्फा ठीक है इसे इसे मुझे लेना चाहिए एम जी साइन अल्फा, और इसे भी लेना चाहिए एम जी कॉस अल्फा, और ये भी लेना चाहिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये लेना चाहिए एम जी कॉस अल्फा, सब कुछ अल्फा है तो यहां पर भी क्या लेना चाहिए एम जी साइन अल्फा, तो एम जी साइन अल्फा ये क्या चीज है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, mg sin alpha mu s into normal reaction किसके इक्वल है इसमें mg cos alpha, तो mg से mg cancel, tan alpha की वैल्यू क्या आ गई mu s, तो एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकलता है tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू mu s, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है रूट थ्री, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट?